मायका कहीं और है, शादी कहीं और है, एक बच्चा कहीं और है, एक बच्चा कहीं और है। बहुत सारी बहनों का फोन आता है, तो मैंने पहला सवाल विजय किरण आनंद जी से ट्रांसफर के बारे में कहा। अभी आप लोगों को मौका देंगे, जो भी भाई कुछ पूछना चाहता है पूछेंगे। मैं हूँ कल तक, मैं बधाई हूँ आपके, 10:30 बजे मेरी ट्रेन है, तो आप जितना हमसे पूछ सकते हैं, जितना रह सकते हैं, जितना जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो हर व्यक्ति का फ़ोन उठाता हूँ, नहीं उठा पाता हूँ तो कॉल बैक जरूर करता हूँ। कि आरोप नहीं लगवाना चाहता हूँ कि आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, और उतनी ही मेहनत से विद्यालय में भी पढ़ाता हूँ। अब मेरा फेसबुक का देख लीजिएगा, किसी को कहने का मौका नहीं देता हूँ। एक दिन मैं गया था 3 जनवरी 2019 को, मुख्यमंत्री जी से बुलाए थे मिलने के लिए, खुद बुलाए थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग को खाली नेतागिरी करना है, पढ़ाना लिखाना नहीं है। मैंने कहा महाराज ये मेरा BSA का नंबर है 94-53-00-4147, अब फोन करिए, अभी करिए, अब पूछिए विक्रम सिंह अपने विद्यालय में क्या करते हैं। तो इतना मुख्यमंत्री के सामने बोलने का हैसियत इसीलिए रख पाता हूँ, वो मुख्यमंत्री जिसके सामने विपक्ष के नेता भी नहीं बोल पा रहे हैं। हम महसूस करते होंगे इस बात को, लेकिन आपका अध्यक्ष इतना बोलने का हैसियत रखता है, इतनी क्षमता है, आंख में आंख डाल के बात करता हूं, इतना है आपके अध्यक्ष के अंदर हैसियत। क्यों? क्योंकि जितनी मेहनत से संगठन चलाता हूं, उतने ही मेहनत से विद्यालय में भी काम करता हूं। कोई कह नहीं पाएगा, किसी दिन 10 CL तो पता नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही हम लोग का समाप्त हो गया। 17 बार इलाहाबाद हाईकोर्ट हम लोग गए, 10 CL ऐसे ही चला गया, बाकी हम लोग पैसा कटवाते हैं। जिस दिन विद्यालय नहीं जाते हैं, चाहे तो पैसा लगवा सकता हूँ, वो पैसा मुझे भी मिल जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं है काट ले, लेकिन जानबूझ के कटवाता हूँ। तभी सीना ठोक के मुख्यमंत्री के सामने बात करता हूँ कि आप चेक करो, देख लो मेरे विद्यालय में, मेरा रजिस्टर देख लो, और मैं विद्यालय में करता क्या हूँ ये देख लो। तो पूरी ईमानदारी से वहाँ भी काम करता हूँ, यहाँ भी काम करता हूँ, और आपको भी भरोसा दिला के जा रहा हूँ बरेली में कि आपको कहीं भी कोई समस्या हो मेरे कार्यों में, लगता हो कि हम लोग गलत राह पे चल रहे हैं, तो आप फोन करके बताइए कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, इतना अधिकार। ऐसा नहीं है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हो गया तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया, ऐसा नहीं है। जो आप हैं वही हम हैं, वो तो एक सिस्टम है, अपनी बात को कहीं रखने के लिए एक संगठन का निर्माण होता है। ऐसे जो डिग्री आपके पास है वही डिग्री मेरे पास होगी, तो ऐसा नहीं है, जो आप हैं वही है, अपने में और हम में कहीं कोई अंतर आपको महसूस नहीं होगा। अभी हमसे बहुत साथी मिले हैं, ये मिले होंगे और देखे होंगे, कहीं किसी को अंतर लगा हो तो बताएं। क्यों डॉक्टर साहब, बताइए, आप तो पूजनीय है हम लोग के, और जब भी लगे आप बताइएगा, हम सब लोग एक हैं, ये सारे मंच के लोग बैठे हैं सब एक हैं। वो तो एक सिस्टम है संगठन चलाने के लिए, किसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, क्योंकि हर आदमी तो जाकर बात करेगा नहीं ना। अब बरेली में यदि 500 लोग होंगे तो हर आदमी तो BSA से जाकर नहीं ना बात करेगा, एक अध्यक्ष एक अगुआ तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, उसके नेतृत्व में हम सब जाएंगे, तो वही एक सिस्टम है, बाकी कहीं कोई अंतर नहीं है, तो ऐसा मत सोचिएगा। तो 3 तारीख को मैं विजय किरण आनंद जी से गया, पहली बार ट्रांसफर की कि महोदय ट्रांसफर की बहुत समस्या है, खासकर उन महिलाओं की जिनकी शादियां दूसरे जनपद में हो गई है, और ऐसे हमारे पुरुष अनुदेशक हैं या कुछ महिला अनुदेशक भी हैं जो 70-80-150 किलोमीटर जाते हैं और आते हैं। उन्होंने कहा आपकी फाइल मुख्यमंत्री जी के पास गई है ट्रांसफर की, जनपदीय अंतर जनपदीय दोनों। मैंने कहा जनपदीय अंतर जनपदीय दोनों होना चाहिए, उन्होंने कहा दोनों गया है, और मुख्यमंत्री जी जैसे उसको ओके कर देंगे आप लोग की ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आप जानते होंगे अभी एक मैपिंग का कार्य चल रहा था, वो सारी जो मैपिंग का कार्य है सब उसी अब ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, मानव संपदा के द्वारा ट्रांसफर होगा, ये ऑफलाइन नहीं होगा, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी, तो ऑनलाइन ट्रांसफर होगा इसलिए मैपिंग का कार्यक्रम हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपकी ट्रांसफर की फाइल गई है, फिर हमने कहा 17,000 जो हम लोग हमारा कोर्ट से आया है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से, इसके लिए उन्होंने कहा कि 2 बार आपकी मीटिंग हो चुकी है और हम लोग प्रयासरत हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हम लोग समाप्त कर देकर आपको। फिर हमने शाम को बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहाँ गया, 6:40 पर वहाँ मुलाकात हुई, वहाँ भी मैंने यही दोनों सवाल रखा, और जो जवाब
विजय किरण आनंद जी का जो जवाब था वही जवाब बेसिक शिक्षा मंत्री जी का था। कहने का मतलब है एक मंत्री हैं, एक शासन के हैं, एक प्रशासन के हैं, दोनों व्यक्ति का जवाब एकदम हूबहू मिला तो हमें लगा कि वास्तव में ये दोनों काम हो रहे हैं। क्योंकि यदि दोनों वास्तव में ना होते तो दोनों व्यक्ति का जवाब अलग अलग होता। तो पहली बार मुझे लगा कि इन दोनों के जवाब से मैं संतुष्ट हुआ और वहीं से मैं हरदोई चला गया था। चार को हरदोई में, हरदोई जनपद भी पहले किसी और के साथ काम कर रहा था, उन्होंने भी वहाँ भी लगभग 1000 की संख्या है भानु जी, और उन लोगों ने भी कहा कि हम आप लोग के साथ काम करेंगे। तो मैं हरदोई भी गया, वहाँ के भी जिलाध्यक्ष लोग हम लोग के साथ काम करने को तैयार हो गए। तो आप धीरे धीरे आप हम लोग का कारवा बढ़ रहा है, और कारवा हम लोग का बढ़ाने का उद्देश्य एक है कि हमको नियमित होना है। कारवा बढ़ा के हमको और उद्देश्य नहीं कोई पूरा करना है। आप लोग दिमाग से ये बात निकाल दीजिएगा, या कोई पूछे भी तो उसको भी बताइएगा कि कारवा बढ़ाने के मतलब जैसी जी ये नहीं है कि हम लोग का उद्देश्य कुछ और है। हम लोग का उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है नियमित होना। जब तक हम नियमित ना हो जाएं, हाँ ठीक है आपको ग्रेड पे कम बेस जो करना हो करिए, उस पर हम बहुत ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। अभी एक बार प्रक्रिया तो आप प्रारंभ करिए। प्रक्रिया जब आप प्रारंभ करेंगे फिर हर सिस्टम में जब आ जाएंगे, कुछ लोगों ने कुछ गलतियां की उसका खामियाजा हम लोग भुगत ही रहे हैं, तो आप एक सिस्टम खड़ा करिए ना। हमको 4600-4200 ग्रेड पे नहीं चाहिए। आप हमको पहले नियमित करिए, हमारी 62 साल नौकरी पहले नियमित हो, ये रिन्यूअल की प्रक्रिया समाप्त हो, महिलाओं को जो CCL मिलता है वो मिलना प्रारंभ हो, मेडिकल मिलना सबको प्रारंभ हो, हमको भी 14 छुट्टी मिले, हमको भी EL मिले। जब नियमित हो जाएंगे तो सारी प्रक्रिया अपने आप समाप्त हो जाएगी। और इसमें 75% काम समझिए 50% भारत सरकार ने कर दिया, 25% इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर दिया, अब 25% हम लोग को जोर लगा के कराना है। और हम लोग को लगता है अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, अभी हम 13 तारीख को दिल्ली भी जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी लड़ाई लड़नी है। 1 साल ये सरकार दे देगी, उसके बाद भी हम लोग को बाकी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है। आप लोग को जानकारी होगी, 1 ही साल का आदेश हुआ है, 1 साल ये सरकार दे भी देगी तो बाकी के लिए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट ही बाकी हम लोग को दिला पाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की भी लड़ाई लड़नी है। हम लोग के पास एक वकील पहले से है APC जी, उसके बारे में मैं आपको प्रकाश दे दूं। हम लोग घर बैठे रहते हैं, बाहर क्या कहानी होती है हम लोग को नहीं मालूम चलती है। हम लोग बहुत भरोसा करते हैं, भरोसा किसी पे आंख बंद कर मत करिए, मैं आपको बता के जा रहा हूं, हम पे भी मत करिए, हमको भी वाच करिए। देखिए बंदा कहता है इलाहाबाद जा रहे हैं और लखनऊ चला जाता है कि कहां चला जाता है। अभी तक आपके साथ क्या हो रहा था, कहा जाता था कि हम जा रहे हैं इलाहाबाद, जा रहे हैं लखनऊ केस देखने, और हम घर बैठ के कंबल तान के सो रहे होते हैं। हम भी पहले यही समझते थे, हम भी पहले भरोसा यही करते थे। मैं कभी कोर्ट केस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं कोई LLB LLM नहीं किया हूँ, मैं ABCD नहीं जानता था कोर्ट केस का। लेकिन 12 मई के बाद मुझे लगा कि बेटा बहुत देर हो गई, अब इसमें नहीं घुसोगे तो जो भी खेत बचा हुआ है ये खेत लोग चढ़ जाएंगे, तो अब जो बचा हुआ खेत है वो हमको बचाना है। 12 मई को मैं पूरी वो भी कहानी बता दूं। पहले क्या होता था, जब कोर्ट केस आता था तो हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज देखते थे कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में डेट लगी, आज लखनऊ हाई कोर्ट में डेट लगी। शाम को हम लोग मैसेज पूछते थे कि क्या हुआ, केस टेकअप हुआ, केस सुनवाई हुई, कुछ फैसला आया। शाम को एक मैसेज आता था कि केस टेकअप नहीं हुआ। दिन भर जो हम लोग हनुमान जी बजरंग बली सबका पूजा करके अगरबत्ती दिखा के भगवान को खुश करने का प्रयास करते थे, शाम को उसका हवा निकल जाता था। तो जानते थे ऐसा क्यों होता था, हम आप विद्यालय जाते थे वहां खेल कुछ और होता था। ये वकील साहब हैं, इनके पास 72 केस है, एक विक्रम सिंह का केस है, जय सिंह का केस है, जय सिंह इनके पास चले जाएंगे तो अब आप बताइए वकील साहब विक्रम सिंह का केस देखने जाएंगे कि जय सिंह का देखने जाएंगे।
जय सिंह का देखने जाएंगे ना, क्योंकि जय सिंह इनके सर पे सवार हैं और विक्रम सिंह घर में कंबल तान के सो रहे हैं और शाम को विक्रम सिंह पोस्ट डाल देंगे कि आज हमारा केस टेकअप नहीं हुआ। क्यों टेकअप नहीं हुआ? क्योंकि आप वकील के साथ थे नहीं, वकील आपका गया नहीं कोर्ट में। तो जब कोर्ट में वकील गया नहीं तो केस कैसे टेकअप होगा? तो कहानी यहाँ ये है, जो हम लोग विद्यालय में 9 से 3 जाकर मरते हैं और यहाँ कहानी कुछ और हो रही थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, किसी पे भरोसा मत करिए, हम पे भी मत करिए, हमारे बारे में भी पता करिए कि ये बंदा कहता है कि कोर्ट केस देखने जा रहे हैं तो वहां जाता है कि नहीं जाता है। आजकल कौन दिक्कत है देखने में किसी को? तो भरोसा नहीं करना है। उसके बाद देखिए, अब आप देखिए 12 मई को पहला केस लगा था। आप बताइए कभी भी अनुदेशक का केस का समय फिक्स हुआ हो तो बताइए। इतने लोग बैठे हैं इस हॉल में, 100 लोग, कभी केस फिक्स हुआ कि आज 12 बजे अनुदेशक का केस सुना जाएगा? कभी 1.5-2 घंटा सुनवाई हुई? और क्या बात है कि एपीसी जब 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचते हैं तो जज ने 12 बजे का टाइम दे देता है। अब देखे होंगे 12 मई को आया कि 12 बजे अनुदेशक का केस का सुनवाई होगा। इससे पहले कभी आपको मालूम चला? क्यों नहीं मालूम चला? बड़े बड़े वकील के नाम पर लोगों ने पैसा ले लिया, लेकिन कभी बड़े बड़े वकील आपके केस में खड़े ही नहीं हुए। वो व्यक्ति जब वहां से चलकर आया, देखिए जब बड़ा वकील पहुंचता है तो जज को भी लगता है कि यहां यदि हम गलत करेंगे तो हमारी बखिया उधेरी जाएगी। और बाद शाम को वही जज और वही वकील बैठकर बहुत सारी बातें होती है, क्योंकि आप जानते होंगे जो बहुत अनुभव वाले होते हैं वकील, वो बाद में जाकर जज भी बनते हैं। तो ये कहानी है। तो पहले केस आपका क्यों नहीं टेकअप होता था? क्योंकि आपके पास कोई बड़ा वकील केस में नहीं जाता था। हालांकि पैसा लिया जाता था बड़े वकील के नाम पर, मैं भी देता था, आप भी देते थे, मैं भी भरोसा करता था, आप भी भरोसा करते थे, और भरोसा हम लोग करते रह गए और हम लोग का खेत चढ़ते रहे लोग। तो अब किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। कभी अनुदेशक का केस 2 घंटा सुनवाई हुआ हो तो बताइए, कभी 1.5 घंटा सुनवाई हुआ हो तो बताइए, कभी आपको पहले से मालूम है कि 11 जुलाई को केस शुरू होगा, 11:30 बजे अनुदेशक का केस सुना जाएगा, कभी मालूम चला हो तो बताइए। तो क्या बात है, एपीसी आया तभी शुरू हुआ, और एपीसी जी को भी लोग लाना नहीं चाहते थे। पहले तो लोग ले आए एपीसी को, पहले बिना मुझे बताए, और ये भी आप जानते हैं एपीसी कैसे आए, एपीसी आए डिबेट की देन है, शिव कुमार मिश्रा जी की देन है, सुरेंद्र दुबे जी की देन है। हमको बिना बताए लोग पहुंच गए वहां दिल्ली एपीसी को लाने। देखिए कहानी कितनी बड़ी बड़ी होती है, हमें बिना सूचना दिए लोग पहुंच गए दिल्ली एपीसी को लाने। जब वहां लोग पहुंचे शिव कुमार मिश्रा जी के पास, शिव कुमार मिश्रा जी ने पूछा इन लोगों से कि विक्रम सिंह आ रहे हैं, उनको मालूम है, अब ये लोग तो मुझे बताए नहीं थे, अब ये लोग परेशान हो गए, ये कौन कहानी हो गया। शिव कुमार मिश्रा जी ने मुझे फोन किया कि ये लोग आए हुए हैं, क्या करना है बताओ। हम क्या, कौन आया हुआ है बताए, ये लोग आए हुए हैं क्या करने, तो एपीसी से मिलने, तो तुमको जानकारी है। अब देखिए मिश्रा जी ने हमसे पूछा कि तुमको जानकारी है, मैंने कहा, मैंने सोचा अनुदेशक हित का मामला है, मैंने कहा हाँ भैया मुझे जानकारी है, और इन लोगों को आप मिलवा दीजिए। मैंने कहा इन लोगों को मिलवा दीजिए, जबकि मुझे कोई जानकारी नहीं था, लेकिन अनुदेशक हित का मामला था, मैंने सोचा अभी मैं कह दूंगा नहीं जानकारी है तो नहीं मिलाएंगे, लेकिन मैंने कहा मुझे जानकारी है मिलवा दीजिए। लोग गए वहां, बातचीत हुआ, केस में आए लोग, आए उसके बाद लाने का उद्देश्य कुछ और था कि पहले केस में लाएंगे, 1-2 हियरिंग कराएंगे, उसके बाद जो कहानी रचना है रचेंगे, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि 12 तारीख को विक्रम सिंह स्वयं पहुंच गए थे इन लोगों की कहानी देखने, और ईश्वर ने साथ दिया। जो लोग, हम भी सोचते थे कि इतनी जल्दी पोस्ट आ कैसे जाती है, भाई साहब मैं बताऊं, जो लोग इलाहाबाद की धरती पे रहते नहीं थे उनका पोस्ट पहले आता था,
ये साथी लोग हमारे जाते थे इलाहाबाद, मतलब जयसी जी जो इलाहाबाद जाता नहीं था, लखनऊ जाता नहीं था, उसका पोस्ट पहले आता था, कहां कंबल के नीचे से। और मुझे कहा गया कि आप इलाहाबाद की धर क्यों आए हैं इलाहाबाद। मैंने कहा इलाहाबाद किसी ने रजिस्ट्री करा लिया है, पर भारत का नागरिक हूं, हर जगह जा सकता हूं ना। मुझे कहा गया, पूछिए, मारपीट की नौबत आ गई थी कि आप इलाहाबाद क्या करने आए हैं। मैंने कहा आपने रजिस्ट्री करा लिया इलाहाबाद, किसी की बपौती है इलाहाबाद, होटल में मारपीट नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया। तो एक कहानी रची जा रही है। अब लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि अब सबकी दुकान बंद हो रही है। चलिए कुछ बातें गुप्त रखा जाए। चलिए।